हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोली चैप्टर के EMCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश क्लास 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, हु इज द आर्टिस्ट वर्क ऑफ आर्ट। आंसर है भोली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही डिमांड एज डाउरी, यानी दहेज के तौर पर उसने क्या मांगा। आंसर है मनी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज इन हर आईज व्हेन द वेल वाज पुल्ड डाउन द सेकेंड टाइम्स। वेल का मतलब होता है घूंघट। जब घूंघट को ठीक है नीचे किया गया तो किस तरह से वो फील कर रही थी। ठीक है, आंसर है कॉन्टेप्ट। कॉन्टेप्ट का मतलब होता है निंदापूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवियस। इनवियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जेलस, यानी किसी दूसरे से जलना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसंबर्स मैरिज प्रपोजल, यानी बिसंबर से शादी करने के लिए जो उसके माता पिता थे भोली के, वो क्यों राजी हो गए। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्यों हो गए, ही हैज़ अ बिग शॉप, जो बिसंबर है उसके पास बड़ा सा शॉप था। ही हैज़ अ हाउस, उसके पास अच्छा घर था। ही हैज़ अ गुड बैंक बैलेंस, और पैसे भी थे, इसीलिए भोली के माता पिता मान जाते हैं और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किससे, बिसंबर से। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड सी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे, वो पहले दिन किस तरह से अपने स्कूल को छोड़ती है। आंसर है विद अ रे ऑफ अ होप फॉर अ न्यू लाइफ, इस आशा में कि चलो मेरा आज के बाद से एक नया जीवन की शुरुआत होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु कम्फर्टेड भोली, हर टीचर। कम्फर्ट का मतलब होता है कि आरामदायक। ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं जो भोली को किसने आरामदायक महसूस करवाया, मीन्स कि कितने अच्छे से बातें किया, किसने किया, तो हर टीचर, उसके जो टीचर थे उन्होंने समझाया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड इट टेक फॉर भोली टू बिलीव सी वाज अ बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन होम, यानी क्या ऐसा भोली सोची कि उसको लगा कि हाँ मैं जा रही हूँ, ठीक है, उसका जो शादी हो रहा है वो जा रही है, तो वो जो जगह होगा काफ़ी अच्छा होगा, क्यों सोचा। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्लीन ड्रेस, उसको अच्छे ड्रेसेस मिल रहे थे पहनने के लिए, हेयर ऑयलिंग, वो हेयर ऑयल कर सकती थी वहाँ पे, एंड बाथ, नहा भी सकती थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड सी सजेस्ट दे सेंड भोली टू स्कूल, यानी कुछ लोगों ने भोली को क्यों ऐसा सजेस्ट किया कि उसको स्कूल जाना चाहिए। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मीन्स देयर वॉज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, काफ़ी कम चांस था उसका शादी होने के लिए। ठीक है, हर हस्बैंड कुडंट डिसोबे तहसीलदार्स ऑर्डर्स, एंड थर्ड है सी टूक इट टू टीचर्स एट स्कूल टू वरी अबाउट हर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू, तहसीलदार क्या कहता है रामलाल से कहने के लिए। सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, यानी अपने बच्ची को या लड़की को स्कूल भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वाज द सिचुएशंस ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड, किस तरह से उस घर का सिचुएशन डिस्क्राइब किया गया है। आंसर है प्रोस्पोरियस। प्रोस्पोरियस का मतलब होता है खुशहाल घर। क्वेश्चन नंबर 12, एट वॉट एज डिड सी बिगिन टू स्पीक, यानी कितने साल की थी तो वो बोलना स्टार्ट कर दी थी। 5, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, क्या डैमेज हुआ था उसके दिमाग में भोली के। आंसर है फॉलिंग ऑफ अ कॉट, यानी वो खटिया से नीचे गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव, भोली के पास कितने भाई बहन थे। आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब क्या होता है, फुलिश, यानी मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली, भोली लेसन के ऑथर कौन है, के ए अब्बास। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड विसंबर डिमांड एज डाउरी, जो विसंबर था वो दहेज के तौर पर क्या डिमांड कर रहा था। आंसर है 5,000 rupees, 5,000 rupees। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड भोली फाइंड द टीचर ऑन हर वेरी फर्स्ट डे इन द स्कूल, यानी भोली को क्या मिला सबसे पहले दिन, वो क्या देखने को मिला उसको।
उसकी जो टीचर के प्रति क्या लगाव था? आंसर है काइंड एंड लविंग। अपने टीचर को जब देखी तो वो सोची कि काफ़ी काइंड दयालु होंगे और काफ़ी प्यार करने वाले होंगे, यानी अच्छे इंसान होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज लक्ष्मी कौन था? भोली स्काउ। ठीक है, लक्ष्मी कौन थी? भोली स्काउ, यानी जो भोली की गाय थी। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वाज भोली ट्रीटेड इन हर फैमिली इन द फैमिली, यानी जो भोली थी वो किस तरह से ट्रीट कर रही थी अपने फैमिली में। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। शी वॉज नॉट गिवन न्यू क्लॉथेस, उसके घर में पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे। नॉन केयर टू वॉश हर क्लॉथेस, ना ही वो कपड़े वगैरह धो रहे थे सब। नॉन केयर टू कॉम्ब हर हेयर, ना ही वो अपने बाल को संवार रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर, यानी तहसीलदार अपने रामलाल के डॉटर के बारे में क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है? सेंड देम टू स्कूल, स्कूल भेजने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डिड तहसीलदार कम टू द रामलाल विलेज, जो तहसीलदार होता है रामलाल के गांव में क्यों आता है? आंसर है ए टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल, क्योंकि वो एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना कर रहा था या खोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 23, एट व्हाट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक, कितने साल की हो गई थी कि जब वो भोली बोलना शुरू की? 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड रामलाल हैव, रामलाल के पास कितने बच्चे थे? 7। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव, कितने बच्चियां थी, लड़कियां थी रामलाल के पास? 4, यानी 4 लड़कियां थी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक।